हमारी जो लॉन्ग समय से काफी देर से डिमांड्स जो आज तक बिल्कुल उस पर अनदेखी की, जितने भी हमारे जो गृह मंत्री हैं उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं। पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या चीज होती है? आप वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, पे देते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस को जो 24 आवर्स की ड्यूटी करते हैं जीरो लाइंस पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे, और ऑटोनल ड्यूटी जो कर रही है वो सीआरपीएफ कर रही है। सबसे कैजुअलिटी वो बीएसएफ की, सीआरपी की और आरटीबीपी की। 2012 से एक्स सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाई थी पूरे हिंदुस्तान के बीच, आज हमें दर दर भीख मांगनी पड़ रही है, मीडिया को रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, ऑल पब्लिक को रिक्वेस्ट कर रही है हमारी बात को उठाएं आप। जो जनरल बात है हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की, हम 24 आवर्स की मुलाजिम हैं एलओसी पे और इंटरनेशनल बॉर्डर पे, बीएसएफ ड्यूटी कर रही है 24 आवर्स करती है। डिमांड क्या है आपकी? डिमांड हमारी ये है, हर जगह में हमारे होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ये बोलते हैं इनको बन पेंशन दे दिया है, मेडिकल फैसिलिटी दे दिया है और इनको सीएसडी दे दिया है, हमें कुछ नहीं मिला, ना बन रकबन पेंशन, ना सीएसडी कंटीन, ना इसके अलावा कोई फैसिलिटी दिया है। उल्टा हमारे पर कोरोना टैक्स 50% सीएसडी, हमारी जो सीपीसी कंटीन आर्मेड पुलिस की उस पर इन्होंने लगाया है स्टेट गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर ने। बाकी स्टेटों ने जो टैक्स लगाया था वो वापस ले लिया है। हमने एक्साइज कमिश्नर को भी रिक्वेस्ट किया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं और पार्लियामेंट मेंबर जो हमारे जहाँ के लापता हो रखे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो पीएमओ मिनिस्टर है अपने प्राइम मिनिस्टर के दाहिना हाथ उससे भी रिक्वेस्ट करते हैं। हमारी जो जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप लोगों ने पैरामिलिट्री फोर्सेस को कुछ नहीं देना और 50% जो कोरोना टैक्स लगाया हमारी कंटीन पर उसे आप तुरंत वापस लें, ये हमारी चुनौती है इन एनपी को और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट है हमारी। आप अगर किसी का काम नहीं कर सकते तो प्लीज ये हमारी पैसा तो कहीं रहा आपने देना, बंद रकबन पेंशन तो आपने नहीं दिया, ना मेडिकल फैसिलिटी दिया, ना कुछ दिया, लेकिन जो मेहरबानी करके जो 50% हमारी कंटीन पर जो टैक्स लगा रखा है इसे तुरंत वापस लिया जाए। किसी स्टेट में नहीं है, भारत के किसी स्टेट में नहीं। फोर्सेस के डेलीगेशन मिलने के लिए जब वोट लेने हैं और अपने चमचों को भेजते हैं, घर घर फिरते हैं, जब हमारा काम पड़ता था छुप के बैठे हुए हैं, आज बिल्कुल नहीं है।